नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर ने केंद्रीय शासन के तहत 5 साल पूरे कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुआ था, जिसमें खंडित जनादेश मिला था। तब महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी ने साझा गठबंधन सरकार बनाई थी। हालांकि 19 जून 2018 को भाजपा द्वारा पीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेने के बाद गठबंधन टूट गया था और यह सरकार एक तरह से गिर गई थी। और इसके बाद अगस्त 2019 में, यानी एक साल के बाद, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। और तभी से लेकर जम्मू कश्मीर यूटी में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए, यानी 5 साल से जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राज्य में चुनाव के लिए आवाज उठा रही हैं, जबकि बीजेपी भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग वोट देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वोट के अधिकार के लिए जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किसी और जगह का नहीं हुआ है। हजारों लोग आतंकवादियों द्वारा सिर्फ इसीलिए मारे गए क्योंकि वो साल 1990 से लोकतंत्र और अपने वोट के अधिकार के लिए लगातार लड़ रहे थे। 5 साल हो गए, रियासत में चुनाव असेंबली के नहीं हुए। हालांकि लोकल बॉडीज के चुनाव जरूर हुए, लेकिन असेंबली के चुनाव पिछले 5 साल से नहीं हुए। आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जो कि बीजेपी यूटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। रविंदर शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। और मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले रविंदर शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, देखते देखते 5 साल गुजर गए और पिछले 5 साल बगैर किसी सरकार के जम्मू कश्मीर में, यानी पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासन लगा हुआ, कोई सरकार नहीं है। देखिए, 5 साल में जो बदला वो ये बदला कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज बंद हो गई, जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेटिक निजाम ने अपने कान आंखें बंद कर दी और जम्मू कश्मीर में आम आदमी असमर्थ फील करता है कि वो अपनी आवाज किस फोरम पे उठाए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मंसूबा था वो तो लागू किया, हालांकि 2014 के बाद जब चुनाव हुआ था तब से ही यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल साउथ पोल का तजर्बा था, वो तो कामयाब नहीं रहा और कंट्रोवर्सी चलती रही, वो आप जानते हैं, मैं उस पर ज्यादा तस्करा नहीं करूंगा। 2018 तक भी हालात जो है वो लोगों को अस्थिरता नहीं रही, यहाँ जॉब नहीं रहे, नौकरियां नहीं मिली, महंगाई और टैक्सेशन का रहा, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जो है 2018 के बाद हुई। एक तोड़ जोड़ से सरकार बनाई गई थी जी। लेकिन उसके बाद 2018 में तोड़ जोड़ और मरोड़ करके, आर्म ट्विस्टिंग करके भी एक सरकार बनाने का प्रयास हुआ जो विफल रहा और फैक्स मशीन खराब हो गई, फिर असेंबली भंग भी हो गई। 5 साल में सब बातें होती हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, लेकिन असेंबली चुनाव की बात नहीं होती। हालांकि जम्मू कश्मीर को जो यूटी का दर्जा दिया गया है वो दिल्ली से भी डाउनग्रेड है और पौडीचेरी मॉडल है जी। जो कि इख्तियार एमएलए के पास क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन एक एमएलए एक फोरम तो होगा जहाँ चर्चा होगी, लेकिन वो फोरम भी भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती और एमएलए के इख्तियार नहीं है। स्टेट का वादा हुआ पार्लियामेंट के फ्लोर पे, लेकिन उसको भी 4 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उसमें भी वादे पे अमल नहीं हुआ। लेकिन चुनाव तो होते, चाहे 50 पार का नारा इनका रहा, 50 पार ले लें या 60 पार ले लें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी से वंचित क्यों किया जा रहा है। और विदेश में, दुनिया में हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमको सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है,
और एक हिस्से में लोकतंत्र की चुनाव की बात नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के पास अगर हम सब इकट्ठे होकर के गए, उनको कहा, उन्होंने कहा चुनाव होना चाहिए, डिलिमिटेशन अपने तरीके से जैसे करना था इन्होंने कर ली, रवीना वोटर लिस्ट भी हो गई, कोई बहाना नहीं बचा है। लेकिन फिर भी चुनाव की बात जब भारतीय जनता पार्टी से वो कहेंगे, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में होम मिनिस्ट्री की क्लीयरेंस के बगैर कैसे करेगा? फिर इलेक्शन कमीशन करता क्यों नहीं है? हमको ये समझ नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है यहाँ असेंबली नहीं है, 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, कोई बहाना कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे बुनियादी सवाल ये है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं खुला, गवर्नमेंट सेक्टर में जो पोस्टें जो लिस्टेड निकली उसमें धांधलियां हो गई मैक्सिमम, बच्चे जो है वो फ्रस्ट्रेट हैं। आपने फैसला कर लिया कि 10 साल के लिए हमने रिक्रूटमेंट नहीं करनी है टीचर की, आप स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बंद करना चाहते हैं, आपने वो सारे दरवाजे बंद कर दिए, कहां जाए? चलिए ठीक है, इस पर रविंदर शर्मा जी हम बीजेपी से जवाब लेंगे। हालांकि बीजेपी चाहती है कि चुनाव हो और बीजेपी हर प्लेटफॉर्म से कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, बीजेपी ने कभी मना नहीं किया, इसे तो आप भी एक तरह से मान रहे हैं। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से रविंदर शर्मा जी ने कहा कि लोकतंत्र एक तरह से खत्म हो गया पिछले 5 सालों की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, आपने भी आज बयान दिया और आपने भी इसी चीज को माना है कि लोग 5 साल से जो बुनियादी लोकतंत्र का अधिकार था उससे एक तरह से वंचित है। साहब कि ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 5 साल से, आज पूरे 5 साल हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार तोड़ के गवर्नर लग गया था, और जम्मू कश्मीर के लोग आज 5 सालों में अपने हक से महरूम किए गए हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंतर है और हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमारी सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर जिसको भारत का मुकुट कहा जाता है, जो कि भारत के सर का ताज है और वाकया में ताज है, और इसको आज पिछले 5 साल से इस ताज में लोकतंत्र की हत्या की गई है, और लोकतंत्र की हत्या करने की जिम्मेवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार से समर्थन उन्होंने वापस लिया, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी थी समर्थन वापस हो गया, लेकिन पिछले 5 सालों से मुझे बताइए कि गवर्नर रूल लगाने के बाद या एलजी या यूटी बनाने के बाद या एलजी लगाने के बाद पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या भला हुआ? बताइए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रही है वो मैं कहता हूं कि नाकाबले बर्दाश्त है। मैं इसलिए कहता हूं, सुनिए, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई क्या लड़ी थी 47 में अंग्रेजों से, मुल्क आजाद करवाया था कि मुझे वोट का हक हो, मैं अपनी अपनी मनपसंद की सरकार चुन सकूं, मैं अपने मनपसंद का अपना नेता चुन सकूं, अपना एमएलए चुन सकूं, वो असेंबली में जाए मेरी बात करे, जो मेरे मुश्किल है उनके ऊपर बात करे। लेकिन जो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, पिछले 5 सालों से लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, और जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि एक असेंबली की जो टर्म है वो इसी में निकल गई आप, और बहुत सारी ऐसे मुश्किलें। अब एक मैं जम्मू के लोगों की अगर बात करूं, एक पिछले दिनों एक मसला यहां उठा, CUET यूनिवर्सिटी का कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट था, उसमें कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर के बच्चों का पहले सेंटर बाहर बना, सरकार ने कहा नहीं बनाएंगे, कश्मीर के बच्चों का कश्मीर में बना अच्छी बात है, उनको कहां वहां जा सकते थे, जम्मू के बच्चों का सेंटर उठा करके कोई पंजाब में कोई हरियाणा में उनके नोएडा तक इनके सेंटर बने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस चीज के लिए आपने 5 अगस्त 2019 को हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना था, इस स्टेट चीज के लिए आपने रियासत के 2 हिस्से किए और इसको यूटी में तब्दील किया। भाई लोगों में एजिटेशन होती है, हमने देखी है, लोग सड़कों पर आते हैं यूटी से स्टेट बनाओ, लेकिन स्टेट से यूटी बनाया गया, यूटी कौन सी बनाई गई? पांडिचेरी मॉडल। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी बात करने का हक नहीं होगा। अब उन नौजवानों का मुझे बताइए कि इन्होंने तो अपनी तरफ से कवायद बना दी भी नौजवानों का एक एक साल खत्म करेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं तो हमसे नौकरी मांगेंगे, इनका अच्छा है कि इनकी एजुकेशन यहां खत्म कर दो। और जम्मू के नौजवान के प्रति जो इन्होंने किया, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की इकट्ठी हुई, हमने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, सब लोगों ने जब मिलकर किया तो सरकार बैकफुट पर आई, और फिर सरकार ने अनफनन में कह दिया जी नहीं होगा। भाई ये नहीं होगा तो पहले किया क्यों? जो बच्चे गए 50% जो बच्चे गए उनका एक बच्चे का 20,000 रुपया खर्चा आया,
कोई उधमपुर का रहने वाला, कोई रियासी का, कोई पुंछ का, कोई किश्तवाड़ का, कोई कठुआ का, वो कैसे जा पाए, वो नहीं जा पाए। और ये चीजें हैं जो बुनियादी चीजों की अगर हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, लोकतंत्र का गला जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने घोटा है। चलिए ठीक है, इस पर हम बीजेपी से जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान इमरान नबी डार जी, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। इमरान नबी डार जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी शुक्रिया, जी आ रही है। जी इमरान नबी डार जी, आज 5 साल पूरे हुए हैं और केंद्र शासन जो है वो एक तरह से जम्मू कश्मीर में लगे हुए, पिछले 5 साल से चुनाव असेंबली के जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, और इस पर जो उमर अब्दुल्ला का खासतौर से पहला जो रिएक्शन आया, उन्होंने जो ट्वीट किया था कि लोकतंत्र वहीं खत्म हो जाता है जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है, क्या मतलब निकाला जाए उमर अब्दुल्ला के इस बयान का? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, ये जो पिछले जो आप बात कर रहे हैं, आज 5 साल हो गए, ये सेकंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जो यहाँ पे जो टेन्योर था प्रेसिडेंट्स रूल का, वो तकरीबन 5 साल और 9 महीने का था, जब 1990 से लेकर मार्च 1996 तक रहा। और अगर आप हालात ऐसे ही रहे, जिस तरीके से डिले इलेक्शंस हो रहा है, हर बार बार डिले किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो वाला रिकॉर्ड, 90s का रिकॉर्ड, इस बार तो टूट ही जाएगा। और आपको ये मालूम है कि जिस तरीके से आज जो आप रिपोर्ट भी करते हैं, किस तरीके से यहाँ के लोगों के बुनियादी हक और उनके जो यहाँ बेसिक नेसेसिटीज हैं वो कैसे पामाल हो रहे हैं, आज इतनी गर्मी में पूरे शहर, चाहे शहर हो या देहात हो, बिजली का नामो निशान नहीं है। ये तो सब पहले भी होता था, एम्प्लॉयमेंट देखिए, ये 370 से पहले भी होता था, ये ऐसा नहीं कि अब 370 के बाद ये सब हो रहा है, जब सरकारें होती थी तब भी ये होता था वहां पर, यहां पर चल रहा बिल्कुल, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो थी ना। आज लोग सड़कों पे चिल्लाते हैं, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है, आज नौजवान यहाँ पे स्कैम्स हो रहे हैं, कोई सुनवाई होती है कहीं पर? आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन तो इतनी नहीं थी पहले, जो गैस सिलेंडर की चलिए बात करते हैं, जो आपने बोला सरकारों में, उस टाइम पे गैस सिलेंडर तकरीबन 600 रुपए में मिलता था 2015 में, तब से आज देखिए कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, गैस 1200 रुपए हो गया है, जो गरीब है वो दो टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये तो पहली बार पहले नहीं होता था, यहां तो सब कुछ सिस्टम, हाँ प्रॉब्लम्स होती थी, सब कोई परफेक्ट नहीं है, बट ये जो हुकूमत है, ये लग रहा है कि इनको लोगों से मोहब्बत नहीं है, इनको कोई अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज ये अनइलेक्टेड सेटअप यहाँ पे मुसल्लत किया गया है, ये अनइलेक्टेड और ये अनअकाउंटेबल सेटअप है यहाँ पर, लोगों की परेशानियां, लोगों के मसले और मसाइल। आज इस टाइम पे पैडी सीजन ऑन हो गया है, वो छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एग्रीकल्चर के साथ कितने लोग वाबस्ता है, जाइए आप देखिए कि इस टाइम पे जो इरिगेशन कनाल्स हैं, जहां जो 2 महीने पहले साफ हुए होने चाहिए थे, आज उनमें मलबा बैठा हुआ है, इस टाइम पे पानी भी खेतों तक नहीं पहुंच रहा है, एक बेसिक सी चीज है, लोगों के घरों में पानी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं आ रहा, ये बेसिक नेसेसिटी है। और आप जो आप जब मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके मिनिस्टर्स जब आउट ऑफ कंट्री निकलते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, तो वो क्या वहां पे बहुत ढोल बजाया जाता है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हम मैं जब हम है दैट मीन जे एंड के में क्यों वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्फन बन जाती है? चलिए ठीक है, ठीक है, देखिए क्यों देखिए रही है लखनपुर में, तीन पार्टियों के आप स्पोक्स पर्सन है जो अपोजिशन से थे, और अब मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेता हूं, सबको मैंने बहुत टाइम दिया है। हमारे साथ सूफी मोहम्मद यूसुफ जी जुड़े हुए हैं। सूफी यूसुफ साहब, सभी पार्टियों का, पूरे अपोजिशन का, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, सबका यही कहना है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, पिछले 5 साल में कोई जवाबदेही नहीं है, आवाम परेशान है, आवाम चाहते हैं, सियासी पार्टियां चाहती हैं, सभी चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, और इसी वजह से आवाम की सुनने वाला कोई नहीं है। जी मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, वरेंद्र शर्मा जी ने भी बोला, हमारे इमरान नबी साहब ने भी बोला, और सरोज ने भी बोला, जितना टाइम इन तीनों भाइयों ने लिया है, मुझे भी थोड़ा उतना टाइम आप देते नहीं? बिल्कुल बोलिए। हाँ, क्योंकि मेरा हक बनता है, मेरा राइट है। मैं कहना चाहूंगा आपको
कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं। मैंने भी बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से करी है कि पॉलिटिकल सेटअप के बगैर जम्मू कश्मीर के लोग अधूरे, ये मैं आज भी मानता हूं और इससे पहले भी बहुत बार जो हमने बोला है। अब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। मैं इन तीनों भाइयों को कहना चाहूंगा, अभी इमरान नबी डार साहब ने कहा कि 1990 से लेके 96 तक, 1996 तक जो यहां पे प्रेसिडेंट रूल रहा। इमरान नबी डार साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा कि मुझे बताइए ये हालात किसने पैदा किए। 1987 का आप इलेक्शन याद करिए, ये तो हालात किन लोगों ने पैदा किए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इकदार थी, पीडीपी की तो सोनू जी की तो बात ही नहीं थी, तब पीडीपी नहीं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि इसके जिम्मेदार अगर जम्मू कश्मीर का आवाम मानता है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानता है, क्योंकि 87 के दशक में इन्होंने यहाँ पे कहरा मचा दिया, इन्होंने यहाँ पे जो है मिलिटेंसी बढ़ा दी, इन्होंने 40,000 नौजवानों। इमरान नबी डार को ऑडियो दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं नहीं अभी मुझे बोलने दे देंगे, उसके नहीं नहीं आपके सवाल का जवाब भी साथ में सुन लीजिए ना। इमरान जवाब दे रहे हैं, जवाब भी सुन लीजिए साथ में। 40 साल इमरान नबी डार साहब ने बात की, मैंने कोई बात नहीं की, बात कर रहे हैं, मुझे भी बोलने दो। प्रेजेंट की बात करिए ना, जब से आपकी आप यहाँ पर 9 साल बेमिसाल कर रहे हो पिछले 9 सालों से, आप आज की बात करिए ना, आप 1987 में जा रहे हैं, आपने क्या किया? आप जो हो गया आप अलग डिबेट है, वो हम किसी और दिन डिबेट करेंगे। अरे इमरान नबी डार साहब अलग डिबेट नहीं है, आप हुकूमत में डिबेट गवर्नेंस रूल क्यों है इस टाइम पे? जम्मू कश्मीर में डबल जो आप बोलते हैं डबल सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार आपकी चल रही है। अच्छा चलिए चलिए, किया में आप अरे मेरी बात सुनिए, 9 साल की आप मेरी बात सुनिए, 40 साल पीछे आज की बात करिए। नहीं जी 1987 यार, 1987 का और आज का क्या रिलेशन है आपका? आप तो बोल रहे क्यों नहीं है, ठीक हो गए। अरे भाई क्यों नहीं है, हालात तो तुम लोगों ने पैदा किए, हालात तो तुम लोगों ने पैदा किए, अगर क्यों नहीं है उसके साथ? सुने मेरी बात, लेट मी क्लियर नाउ। अरे मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, आपको आपने बोल दिया। मैं तहजीब से बात कर रहा हूँ, तू तुम नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अरे मैं तुम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रुपया आपकी सरकार ये बात सुनिए, आपने क्लियर कर दिया ना, मुझे बोलने दो। सुनिए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी सरकार G20 बोलती है कि हमने G20 किया, आपकी सरकार ना यहाँ आपने 70 साल में किया, क्या सरकार बोलती है आपने 70 साल में किया होती है? तो अरे आप, अरे मेरी बात सुनो लोग, नहीं मुझे अरे इमरान नबी डार साहब, इस चीज का इमरान नबी डार साहब सब कुछ नॉर्मल है, अगर इमरान नबी डार साहब मेरी बात सुनिए करो ना, इलेक्शन से क्यों डर रहे हो? इमरान नबी डार साहब मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, कुछ नॉर्मल है। अरे भैया अबू इमरान इमरान नबी डार सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए मैंने सबको मौका दिया है, सूफी साहब बात पूरी कर ले, सूफी मोहम्मद जी जी सूफी साहब बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। इमरान नबी डार साहब से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, क्या 17 साल तक आपने पंचायत के इलेक्शन यहाँ नहीं किए? आज यहाँ पे 35,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं लेकिन सूफी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, आज अगर लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है, जम्मू कश्मीर में अगर लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है, तो इसके लिए बीजेपी भी बहुत जिम्मेदार है। आप याद कीजिए 19 जून 2018 को आपने पीडीपी के साथ सरकार से गठबंधन तोड़ दिया था। अगर आप सरकार के साथ होते तो जम्मू कश्मीर में एक सरकार होती, लोकतंत्र होता, लेकिन बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। देखिए अबू हुरैरा जी, हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ इलाज किया था। अरे हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के वो बड़े बड़े दिग्गज रविंद्र शर्मा जी आ रहा हूँ। जी जी मैं एक बात ही कहूंगा, सोफी साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 1987 की ये बात भारतीय जनता पार्टी की शोभा नहीं देती। आप क्यों नहीं देती? मदद कर रहे जब ये कहते हैं कि क्यों नहीं देती? सरकार तो आपकी थी, सरकार तो दिल्ली में आपकी थी, डॉक्टर फारूक ने बैठे थे, आपने रेकिंग की ना, आपने चोरी की, आपने चोरी की। आप ये अरे वरिंदर शर्मा जी, आपने मोहम्मद यूसुफ को शहीद सलाउद्दीन बना दिया, याद है आपको? मेरे कदम से लड़ रहे थे वो इलेक्शन, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, उन्होंने भी गलत किया, उनको कानून के तरीके से लड़ना चाहिए। अरे उनको क्यों आपने सलाउद्दीन बना दिया? गुनाहगार तो आप चलिए ठीक है देखिए हम डिबेट के बाहर निकल जाएंगे, मैं ठीक है रविंद्र जी आ रहा हूँ, रविंद्र शर्मा जी आपके पास, सूफी जल्दी से बात पूरी करिए,
वरिंदर सोनू जी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे जी। देखिए सोनू जी ने बात रखी जी, शर्मा साहब ने बात रखी, इमरान नबी डार साहब मुझे जवाब देने दीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे इनको कहना चाहिए कि बताइए कहां गए वो आपकी हड़ताल, कहां गई वो आपकी स्टोन पेंटिंग जो हमारे नौजवान मरते थे, कहां गए वो आपके कैलेंडर। आज जम्मू कश्मीर का आम खुश है, या तरक्की हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, कहां गए आज देखिए। तो अब चुनाव कराइए, अब तो हालात बेहतर हो गए ना, ये सब खत्म हो गया, अब चुनाव कराइए, हमारे अब हालात बेहतर हो गए ना सूफी साहब, चुनाव कराइए यहां पर अब। हाँ अबू हुरैरा जी, 19 में हमने यहां चुनाव नहीं कराए, 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव नहीं हुए, और फारूक साहब नहीं जीते, हमारे यहाँ अनंतनाग से हसनैन मसूदी नहीं जीते, वो पार्लियामेंट के चुनाव नहीं थे। मैं आपको कहना चाहूंगा, अमित शाह जी ने आज से पहले 2 महीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप इंडिया को कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, आप जाइए जनाब इलेक्शन कर लीजिए, बट भारतीय जनता पार्टी चुनाव करने की कोई मशीन तो नहीं है ना, हम भी एक पार्टी है, वरिंदर सिंह छोड़ोगे, हम तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐलान करें हम लड़ेंगे। चलिए ठीक है वरिंदर सिंह सोनू जी, मैं रविंदर शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास। वरिंदर सिंह सोनू जी, जिस तरह से देखिए सूफी मोहम्मद यूसुफ जी ने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार है, लेकिन बीजेपी का काम चुनाव कराना नहीं, काम कराना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। देखिए ऐसे है कि बीजेपी का काम वाकया में चुनाव कराना नहीं है, सरकार का काम है चुनाव कराना, तो लेकिन सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, ठीक है उनकी मजबूरियां होगी वो नहीं, क्योंकि उनको पता उनकी जमीन निकल चुकी है। लेकिन 2-3 बातें सूफी साहब ने की हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, इन्होंने एक बात की कि हमने जम्मू कश्मीर में नया दौर लाया है। भाई आप कहते हो अगर नया दौर लाया, लोग खुश हैं, डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो सरकार चुनाव से क्यों भाग रही है? यही कह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट का चुनाव कराया, तो इसका मतलब अगर आप पार्लियामेंट का इलेक्शन कराएंगे तो असेंबली का चुनाव नहीं कराएंगे। भाई यहां पंचायत के लिए इलेक्शन हो सकते हैं, म्यूनसिपलिटी के हो सकते हैं, डीडीसी के हो सकते हैं, पार्लियामेंट, लेकिन असेंबली के नहीं हो सकते। नंबर एक। नंबर दो, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जरा ये बता दें कि पिछले 5 साल से इन्होंने डायरेक्ट रूल किया, ये बात तो सब लोग मानते हैं ना कि 5 साल से पिछले भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट रूल था, पहले 4 सरकार ये भी कोलिशन पार्टनर थे। अब मैं इनसे, इन्होंने कहा जी वो हड़ताल कहां गई, वो कैलेंडर कहां गया, वो क्या गया। मेरे भाई मैं आपको ये याद करा दूं, जो कश्मीरी पंडित मेरा भाई 1990 के दशक में कश्मीर में सेफ था, आपने 5 अगस्त 2019 के बाद उसकी माइग्रेशन जम्मू से कश्मीर से करवा दी, आपने लोगों को माइग्रेंट करवाया। जो 1990 में कश्मीरी पंडित सेफ था पीक मिलिटेंसी में, आप लोगों के राज में उसकी माइग्रेशन हुई। अब यह मत कहिए कि भाई कश्मीरी हुक्मरान हमें नहीं करने देते, भाई आज तो 5 साल से आपने उनको बाहर रखा है। भाई अगर आप किसी का मसला हल करना चाहते हैं तो आपने क्यों नहीं किया? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भैया कब तक ये खोखले दावों के साथ आप चलेंगे? मुझे ये बात ठीक है, सूफी साहब इसका जवाब देंगे। रविंदर शर्मा जी आपकी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं सूफी साहब आ रहा हूं, सूफी साहब आ रहा हूं, रविंदर शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सवाल, मेरा एक सवाल रह गया, जल्दी जल्दी से पूछ लिया, जल्दी से पूछिए, समय की कमी है जी। पूछना चाहता हूं अमल, सूफी साहब ये बताएं कि पिछले 5 सालों में कितने कॉलेज और कितनी यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के। चलिए ठीक है, रविंदर शर्मा जी जल्दी से आप भी सवाल पूछ लीजिए, सूफी जी जवाब देंगे जी। सोनू जी मेरी बात सुनिए, सोनू जी आप कहते हैं चुनाव हमने करा दिए, हमने पंचायत के चुनाव करा दिए, आप उधर से कहते हैं हम भी चाहते हैं चुनाव, उधर से आप कहते हैं कि ये सब कुछ अच्छा है, तो चुनाव के आपका आपकी सुनता कोई नहीं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी किसको कह रही है, कौन रुकावट है? ये मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आ रहा हूँ सूफी जी, आ रहा हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा, आ रहा हूँ। सारा हिंदुस्तान कहता है, सारी पार्टियां कहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप की असमर्थता बताती है। चलिए ठीक है, ठीक है, सूफी मोहम्मद यूसुफ जी, सूफी मोहम्मद यूसुफ जी देखिए वरिंदर जी का जवाब दे दीजिए और रविंदर शर्मा जी का भी जवाब दे दीजिए। जब आपने लोकसभा के चुनाव करा दिए, आपने लोकल बॉडीज के चुनाव करा दिए, तो फिर असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, उसमें क्या परेशानी आ रही है? देखिए हमने पहले ही आपको कहा भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव करने की मशीन नहीं है। मैं सोनू जी को याद दिलाना चाहूंगा, 90 के दशक में ये कांग्रेस के साथ थे, पीडीपी तो बैद में बनी। मुझे बताइए आप पंडितों को किसने भगाया? आप लोगों ने भगाया पंडितों को, आप वो जो है आपने कांड कराए पंडितों के ऊपर, वो याद करिए ना आप। और आप पंडितों को जो है इस वक्त अपने झोले में लेना चाहते हो, पंडितों को अगर राहत दे दी है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने दी। पंडितों को सबने ठगा है, कश्मीरी पंडितों को सबने ठगा है, कश्मीरी पंडितों को सबने ठगा है, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबने ठगा है। अगर अगर किसी ने
अगर किसी ने उनके साथ भलाई की होती, सच्चे दिल के साथ आए होते, तो आज कश्मीरी पंडितों की यह हालत नहीं होती। सबने ठगा है, उसके लिए सब जिम्मेदार है। पंडितों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बनाए। आपको मैं बताना चाहूंगा कितने डीडीसी मेंबर है, कितने बीडीसी चेयरमैन है, कितने 5 सरपंच है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ताकत दिया है, और इन लोगों ने उनको बुलवाया है यहाँ पे, और ये तब पीडीपी नहीं थी। चलिए ठीक है, इमरान नबी डार जी लास्ट कमेंट। 5 साल हो गए बगैर चुनाव के जम्मू कश्मीर है, असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं। देखिए, मैंने पहले भी वही बात कही, इनको शायद मेरी बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या मैं समझता हूं इनकी प्रॉब्लम है, बट ये कर क्या सकते हैं, क्योंकि इनके तक तो कुछ है नहीं। ये फाइनल डिसीजन तो दो ही लोग लेते हैं इस कंट्री में, चाहे मोदी साहब हो या अमित शाह जी हो, और वही फाइनल डिसीजन लेंगे। अब इन्होंने बीजेपी की बात की, बीजेपी नहीं, एक सेकंड मैं कंप्लीट करूं ना, आपसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है ना, कोई पूछेगा आपसे। सुन लीजिए, मैंने देखिए समय दिया आपको, काफी समय मैंने दिया, सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब हमारी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गई, जब डॉक्टर फारूक साहब लेट डेलीगेशन इलेक्शन कमीशनर चीफ इलेक्शन कमीशनर से मिले, और जो उन्होंने बोला, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, और वो पॉलिटिकल वैक्यूम पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। तो ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद बयान किया। देखिए, ये मुझे अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही के लिए चुनाव होना जरूरी है। एक 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 चुनावी राज्य होना चाहिए, और एक ऐसा राज्य जहां पर अपनी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, और इसके अलावा केंद्र सरकार को भी चाहिए, कि 5 साल एक सरकार का टेन्योर ऐसे ही निकल गया। अब यहां पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द नई चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए होनी चाहिए। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि केंद्र सरकार इस पर कब फैसला लेती है, इलेक्शन कमीशन का अगला कदम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नबी डार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, वरिंदर सिंह सोनू जी, रविंदर शर्मा जी और सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।